तो बख्तियारपुर से ये रास्ता जाता है और एक ये जाता है। पटना बख्तियारपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। तो मैं निकला गड्डी लेके, देखिए छोटू को, गजब, क्या नाम है छोटू इसका, लगन तेज है। लॉकडाउन में जो है शादियाँ भी अब होने लग, करीना दिखाई दे रही है वहाँ रेड में, अंदर बैठा में मजा आ रहा है। और छपाक वाटर पार्क है इसका नाम। तो ये गांव का पूरा इलाका है और इधर देखिए ये नदी है, ये पुनपुन नदी है, बहुत मस्त व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आप इस वीडियो में बने रहे। और वेलकम बैक टू द चैनल रॉयल राइडर। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त रितेश शर्मा। दोस्तों आज की जो राइड हमारी होने वाली है वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो उसका आप इंतज़ार कीजिए। और सबसे पहले मैं यहां पहुंचा हूं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, 0 माइल के पास ये एरिया है। और ये देखिए हाथ में मेरे पास एक बुकलेट है, एनुअल मेंटेनेंस ये कार्ड है। तो एक्चुअल में क्या था कि गाड़ी जो हमारी है, बाइक जिसे धन्नो मैं कहता हूँ, बहुत ज़्यादा यह गंदी हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है डस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ हो चुका है, तो पूरी तरीके से ये गंदी है। देखिए आगे से पीछे तक जो है ना पूरा ये गंदा हो चुका है। और मॉनसून का सीज़न है, तो मॉनसून में होता क्या है कि बाइक जो है हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो कई दिनों से मैं चाह रहा था कि बाइक की धुलाई करवा दूँ, इसमें एडिशनल वॉश भी दो दिए जाते हैं, तो एनुअल मेंटेनेंस में ये सब कुछ आता है, तो ये सब कुछ करना था। लेकिन डेली जो है बारिश हो जा रही थी, आपको दिखाई दे रहा होगा अभी भी जो है बादल घेरे हुए। तो सुबह सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन दिन में जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो बरसात के बाद जानते ही हैं कि गर्मी कैसी होती है। तो फिलहाल अभी यहाँ धुलवाते हैं। पहले तो गाड़ी धुलाई में इस तरह का व्यवस्था नहीं था, लेकिन अभी जो है कोरोना और लॉकडाउन के वजह से जो है, देखिए बाइक को सबसे पहले जो है धुलाई से पहले भी सैनिटाइज किया जाता है नहीं, तो ये देखिए हमारी बाइक जो है पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसके बाद जो है अंदर धुलाई के लिए जाता है। तो अच्छा है सेफ्टी मेजर्स रखे जा रहे हैं। तो गाइस अपनी धन्नो जो है एक बार देख लीजिए, कितनी ज़्यादा चकाचक हो गई है धुलने के बाद, और बहुत ही खूबसूरती से जो है ना सर्विस सेंटर में धुलाई होती है। देखिए तो भाई अभी हमारे गाड़ी की जो है यहाँ पे थोड़ी जो पानी वानी लगा है उसको पोंछने का काम हो रहा है, और साथ ही जो हमारा इक्विपमेंट्स होता है ये सब ट्राइपॉड होते हैं वो सब हमें बैग में रखना पड़ता है, और ये सब लेकर के चलना है भाई। इतना तामझाम होता है ना बता नहीं सकता, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो फाइनली जो है अपनी बाइक यहाँ पे धुल चुकी है, अब हम सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। और पटना से बख्तियारपुर जो है एक बहुत ही मज़ेदार राइड होने वाली है, सोलो राइड होने वाली है और बुलेट से, और इसको खूब दौड़ाएंगे भी उस हाईवे पे, और देखते हैं और क्या कुछ होता है। और एक सीक्रेट है जहां हम जा रहे हैं, वो वीडियो में आप बने रहिएगा, तभी आपको दिखाई देगा। और अगर आपने अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसे भी लाइक कर लें। अभी चलिए, तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और चलते हैं। ये 0 माइल का एरिया है और हम उधर से नहीं जा रहे हैं, इस साइड से यहाँ से टर्न लेते हुए फिर हम निकलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, ये मॉनसून में आप गाड़ी तुरंत धुलाओ और उसके बाद जो है ना तुरंत ही जो है गंदी भी हो जाती है, क्योंकि बारिश अभी जाने वाली नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि 28 तारीख तक जो है बारिश होती रहेगी। ठीक है भाई, यातायात के नियमों का पालन करें, तो हम भी यातायात के नियमों का पालन करते हुए जाएंगे। और इस सफ़र में आपको कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर ले भाई, और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए भाई लगन का भी समय आ गया है, तो देखिए आनंद शेखर संग सोंटी, गजब नाम है यार, मतलब लड़की का नाम है सोंटी, वाह। तो लगन तेज है, लॉकडाउन में जो है
शादियाँ भी अब होने लगी हैं खूब, और हालांकि कम गेस्ट को बुलाया जा रहा है। और इस रोड में भाई साहब जाम तो हमेशा लगा रहता है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जब आप निकलते हैं टोल प्लाजा बूथ से आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो रोड है भाई मक्खन रोड है, तो बहुत ही मज़ा आता है उस रोड में चलाने में, बाइक को भगाने में। और अपनी धन्नो तो वैसे भी आज वो नहा चुकी है, तो नहाने के बाद तो भाई क्या फ्रेशनेस होता है, तो ये तो भागेगी कसम से, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी एक चीज़ है ना कि ऑटो वाले जो होते हैं ना भाई, हीरो हीरोइन की जो तस्वीरें लगाते हैं वो कसम से बहुत अच्छा लगता है देख करके। करीना दिखाई दे रही है वहाँ रेड में, तो और पता नहीं कौन है ये, तो भाई साहब लगता है कि करीना कपूर के फैन हैं। तो मैं निकला ओ गड्डी लेके एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। भाई गाना गाने से कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना, चलो दो ही लाइन गाता होता। वो देखिए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब का बोर्ड लगा है वहाँ, तो किसी दिन मैं आपको पटना का जो गुरुद्वारा है उसे भी दिखाने का काम करूंगा। ये देखिए छोटू को, गजब, क्या नाम है छोटू इसका? क्या भाई ट्रिपल लोडिंग में चल रहे हो, तीन तीन लोग। बताइए कि अभी शुरुआत में ही मैंने आपको दिखाया था ना ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी मौत को खुद ही दावत देते हैं, कसम से बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। तो ये टोल बूथ है NH30 है, पटना बख्तियारपुर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और लेन बना हुआ है सारा जाने आने का, और जो कार्स हैं बसेस हैं उनके लिए चार्जेस हैं, और जो ऑटो जाते हैं उनके लिए शायद यहाँ पे चार्ज नहीं है, और बाइक के लिए जो है वो फ्री है। बाकी और इस साइड फतुहा 10.6 किलोमीटर, खुसरूपुर 25.5 किलोमीटर, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, और बख्तियारपुर 50.7 किलोमीटर, मुकामा 85.4 किलोमीटर। तो बख्तियारपुर से एक ये रास्ता जाता है और एक ये जाता है, तो दो रास्ते हैं भाई बख्तियारपुर जाने के लिए, एक इस साइड का है और एक इस साइड का है, और इसी रास्ते से हम जाने वाले हैं। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी देख लीजिए भाई, तो फोर लेन है, आराम से चलाना है यहाँ गाड़ी, और ज़्यादा तेज रफ्तार भी नहीं करना है। तो भाई पटना से जब आप दूर आते हो ना इस तरह की रोड पे सड़कों पे, तो कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो ऊपर नीचे का ये जो रास्ता है ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, और इस तरीके का मन करता है ना, हिल स्टेशन में ऐसा होता है ऊपर और नीचे का जो रास्ता होता है वाकई दिल खुश कर देता है। आप खुद ही देखिए ना कितना अच्छा, मतलब यहाँ से व्यू दिखाई दे रहा है ना, बहुत मस्त व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको, आप इस वीडियो में बने रहें और देख लीजिए कि क्या नज़ारा है सामने। गांव जिसको कहते हैं ना गांव, वाकई गांव ही जो है पूरे प्राकृतिक रूप से अभी भी बचा हुआ है, नहीं तो शहर में कहाँ शुद्ध हवा आपको नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, बहुत तरह की टेंशन है भाई साहब, पॉल्यूशन है, हर तरह का चीज़ है। लॉकडाउन में थोड़ा सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद फिर जो है ना वही हाल हो गया है, तो कई लोग जो है गाँव की ओर रुख करने की बात करते हैं। और देखिए वाकई कितना मतलब खूबसूरत लगता है, नहीं ये जो हरियाली है कितना अच्छा लगता है देखिए। ये वाटर पार्क बनने वाला है और छपाक वाटर पार्क है इसका नाम, मतलब पटना शहर से बहुत नज़दीक ही है, एक तो संपत चक वाला है और एक ये छपाक वाटर पार्क है, तो जब ये हो जाएगा तो इसमें ज़रूर मैं जाकर के आपको दिखाऊंगा। अभी जो है झटके से कुछ जो है ना आ करके जो है चेहरे पे लग गया, तो मोटो ब्लॉगिंग में ये चीज़ है कि आप वाइज़र उठा के चलते हो, बातें करते हो, असल में जो इस कैमरे की जो माइक है ना वो दरअसल इसमें आवाज़ सही नहीं आ पाता, इसलिए मैं विदाउट माइक ही एक्शन कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ, और अभी वाइज़र उठा के ही बात कर रहा था और अभी चेहरे पर कुछ लग गया है, बड़ा ज़ोरदार चोट लगा है। खैर चलिए, तो ये गाँव का पूरा इलाका है, और इधर देखिए ये नदी है, ये पुनपुन नदी है,
और बहुत ही खूबसूरत लगती है नदी। और यहीं से पास में आगे जब हम जाते हैं तो वहाँ से एक रास्ता जाता है, उधर अपना गांव है। ये रास्ता जाएगा फतुहा और ये रास्ता जाता है अपने गांव की ओर जाता है ये वाला रास्ता। तो गाइज अभी क्या है कि ये लोकेशन देख करके मैं यहाँ पे रुक गया और आपको भी दिखाई दे रहा होगा कितना मस्त ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए पीछे जो खेत है हरे भरे वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और मुझे यहाँ रुकने पे मजबूर कर दिया। और ये देखिए अभी जो है समय की बात कर लेते हैं तो अभी लगभग 5 बजने वाले हैं और यहाँ से मुझे लगता है कि तकरीबन आधे घंटे लगेंगे बख्तियारपुर पहुँचने में। और वहीं पर वो चीज़ है जिसे हम दिखाने वाले हैं। और ये जो नीचे इधर जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये फतुहा चला जाएगा और उस साइड यही वाला रास्ता जो है उस साइड जो है दनियावा चला जाएगा। तो ये रास्ता है और हम जाने वाले हैं अभी बख्तियारपुर वाले रूट में आगे। तो कैसा लग रहा है वीडियो इसमें बने रहे और बताएं जरूर कमेंट करके। और आगे अभी और भी मज़ा आने वाला है, जो सीक्रेट चीज़ है उसको मैं अभी उसके पास ही हम जाने वाले हैं और देखिए कि वो क्या चीज़ है। अब टाइम है भाई बाइक को भगाने का, तो भगाते हैं। देखिए अभी तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक भाग रही है। अब में जो जाता है ना लाइट्स वगैरह जो होते हैं और ये देखिए मतलब बड़ी अप्सरा जो कह लीजिए सब कुछ बना होता है। और क्या चाल, ठीक है, सब बढ़िया रहता है, ऊपर सब शादी में जा रहा है। अंदर बैठा में मजा आ रहा है। गांव का जो होता है ना भाई, मतलब गांव के लोग जो है ना बहुत ही क्यूट होते हैं, पता नहीं क्यों। पटना का जो आउटर जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो ये है ममता फूड प्लाज़ा। तो यहाँ ये बहुत पुराना है, रेस्टोरेंट है, रूम है, बैंक्वेट हॉल है, सब कुछ है ममता फूड प्लाज़ा। तो इसका ब्लॉग भी मैं किसी दिन दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल बख्तियारपुर में जो सीक्रेट है हम वहाँ चलने वाले हैं। क्या चीज़ ले जा रहे हैं ये सब? अच्छा वो पुराना सब ले करके सोन पापड़ी देते हैं ना। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए, दो दो फुल फैमिली है। और अपनी मंजिल के करीब हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ देखिए मोकामा 44 किलोमीटर, बरौनी 70, पूर्णिया 251 और गुवाहाटी 896। सारा जो भी चारों नाम थे सारे के रास्ते यहीं से होकर जाते हैं और हम अब बख्तियारपुर लगभग पहुंच चुके हैं। जिस जगह की हम बात कर रहे थे वो जगह जो है यही है। तो गाइज जिस जगह की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। बख्तियारपुर में जो है कुल्हड़ चाय बहुत ही मशहूर है और बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे मिलती है। तो इसीलिए हम पटना से यहाँ तक का सफ़र किए सिर्फ इसी चीज़ के लिए। और आपको पीछे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जितनी भी दुकानें हैं सब कुछ जो है सब चाय की ही दुकानें हैं। सारा यहाँ पे टी स्टॉल है और यहाँ और भी चीज़ लिट्टी वगैरह भी मिलती हैं तो वो भी हम देखते हैं। और सबसे पहले जो है धूल धक्कर पटना से आने के बाद जो है पूरे चेहरे पे धूल वगैरह बैठ गया तो सबसे पहले मुँह हाथ धो लेते हैं उसके बाद खाने के लिए बैठेंगे। तो ये है यहाँ पे चाय दुकान है और टी स्टॉल है और यहाँ भैया हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम संतोष।
था, तो ये कूलर वाला यही चाय है ना, बख्तियारपुर का सबसे ज़्यादा यही मशहूर रहता है। तो चलिए मटके में बनाते हैं। अच्छा, मटके में मिट्टी के मतलब बर्तन में बनता है, चाय गर्म होता है और कूलर जो है वो मिट्टी में ही देते हैं, मतलब नेचुरल तरीके से पूरा एकदम है ना। तब तो सही है। और क्या क्या यहाँ पे देते हैं? लिट्टी भी दिखाई दे रहा है। लिट्टी कैसे पीस रहता है आपका? लिट्टी भी है, चोखा भी रहते हैं। तो यही है, यहाँ कूलर वाली चाय है और कूलर वाली चाय बहुत ज़्यादा मशहूर रहती है ना। आप भी भैया यहाँ पीने के लिए आए हैं? कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? हम पी लिए सिंधिया से। पी लिए, कैसा लगता है यहाँ का चाय? हम उधर पिए थे। हाँ, अच्छा है यहाँ का। अच्छा, लिट्टी भी अच्छा है। अच्छा, लिट्टी भी अच्छा है, वो भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, और जगह के मुताबिक अच्छा लगा यहाँ। लोग सही में यहाँ जो है इतने ज़्यादा चाय का स्टॉल होने का मतलब आप समझ ही सकते हैं किस लिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ की जो चाय है मशहूर होती है। अच्छा, भैंस का दूध रहता है इसीलिए इतना टेस्टी चाय है। तो लिट्टी भी ट्राई करवाइए कैसा है ना। लिट्टी भी देखे भाई कैसा है, लोग कह रहे हैं यहाँ पे कस्टमर वगैरह की लिट्टी भी बहुत शानदार होता है। तो लिट्टी भी लगाइए दो पीस, है ना। वो भी लिट्टी है, ये MLC का चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, है ना। तो कौन से क्षेत्र से हैं सर आप? चलिए, तो जो भी MLC में जो वोटिंग करने वाले हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने वाले हैं, तो ये गोविंद जी है, इनको जरूर जिताने का काम करिएगा। बहुत ही अच्छे पर्सन है, अभी बातचीत हुई है। और यहाँ पे शायद बख्तियारपुर में ये सर भी यहाँ पे चाय वगैरह पीने आए थे ना। तो बख्तियारपुर की चाय सर आपको कैसी लगती है? बहुत बढ़िया। चाय पीने के लिए हम लोग रुकते करते हैं। अच्छा, अच्छी चाय पीने से कहीं अभी जा रहे थे? अच्छा, और रास्ते में यहाँ रुकते चाय पीने आए थे। मतलब चाय इतनी मज़ेदार यहाँ की है कि लोग रुकते हैं यहाँ पर खासकर। चलिए, अच्छी बात है ये तो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई अभी क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और पसीने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है गर्मी में बख्तियारपुर की जो ये कूलर वाली चाय है मटके में बनती है बहुत ही नेचुरल तरीके से, और पीने में वाकई बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी अगर इधर आ रहे हैं, पटना से बख्तियारपुर की ओर आ रहे हैं या फिर मोकामा बढ़िया उस साइड से अगर इधर आते हैं, राजगीर से आते हैं, तो बख्तियारपुर में ये चीज़ आपको बहुत ही बेस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। और चाय पीने में तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और समय से पहले ही पहुँच भी गया क्योंकि अभी 5:50 हो रहे हैं, तो अच्छा है 6 रहे हैं तकरीबन, फिर लौटना भी हमें पटना, तो ज़्यादा शाम ना हो जाए इसलिए जल्दी आना हुआ, फिर जाते वक्त भी 1 समय लग ही जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम यहाँ फ़िलहाल अभी लिट्टी का भी देखते हैं टेस्ट करके कि ये कैसा है। लिट्टी सही है, बैगन का चोखा वगैरह दिया गया है, घी में डूबा रहता है नहीं संतोष जी। और ये जो ढाबा स्टाइल होता है, ये प्याज इस तरीके से काट के आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, शहर में ऐसे नहीं मिलता है, शहर में सलाद टाइप का काट के मिलता है क्या, है ना भैया। लिट्टी और चाय कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है खाने में। चाय तो बहुत अच्छा रहता है, तो जब भी आते हैं पटना से तो चाय यहाँ पर पीते हैं। लिट्टी मतलब शेप और साइज़ भी अच्छा है, अच्छा खासा बड़ा है, 10 पीस है और बड़ा साइज़ है, पेट भर जाएगा 2 आज अगर खा ले आदमी तो, मतलब 20 का लिट्टी है 10 का चाय, बहुत मस्त है। तो गाइस फाइनली जो है लिट्टी और चाय का कॉम्बिनेशन जो है बख्तियारपुर का बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि चाय का तो कहना नहीं, क्योंकि मटके में वो बनता है, मिट्टी का सौंधापन जो खुशबू है टेस्ट है वो सब कुछ उसमें मिला।
क्वालिटी नॉट बेटर बट फिर भी ठीक है, बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है। चाय के लिए ही हम यहाँ पे आए थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो हमने आपसे वादा किया था, जो सीक्रेट प्लेस था यही था, और रास्ते भर जो मनोरंजन का वादा किया था वो भी हमने आपके साथ किया है। और आपको कैसा लगा है पूरे रास्ते में वीडियो, और ये जो लिट्टी है और चाय है इसका जो वीडियो बना है ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब तक अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, फेसबुक पर पेज है उसे भी लाइक और फॉलो करें। और उसके बाद जो है अगर आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी के लिए इजाज़त दें, और जैसा आपने कहा था स्ट्रीट फूड के बारे में तो हमने वो भी किया और पटना से आउटर एरिया में जाके हमने ये किया है, तो उनकी भी इच्छाएं पूरी हो गई होगी उम्मीद है। अब क्या हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी जो डिमांड है आप चाहते हैं कि हम उसे कवर करें तो आप ज़रूर हमें बताएं। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।